आप लोग हैरान हो जाएंगे जानकर कि जिस वीडियो को आप लोग अभी तक शेयर करते चले आ रहे हैं, जिसे पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन का वीडियो बताया जा रहा है, वाकई में वो वीडियो पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन का है ही नहीं। आप सभी का खैर मकदम है माइनॉरिटी न्यूज़ में। आज मैं आपको रूबरू कराने जा रहा हूँ कारी ओवेस के उस वीडियो से, जिस वीडियो को आप लोग कल रात से धड़ल्ले से अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करते चले जा रहे हैं। उसकी क्या हकीकत है, क्या आपको पता है कि वो वाकई शामली के रहने वाले कारी ओवेस का वीडियो है? कई बार सोशल मीडिया का चेहरा हमें बहुत घिनौना नज़र आने लगता है और हम लोग किसी भी खबर को कहीं और की खबर बताकर उसे वायरल करने लगते हैं, बगैर ये जाने कि क्या वो वीडियो उसी इंसान का है जिस इंसान की खबर हमारे पास है। आप लोग हैरान हो जाएंगे जानकर कि जिस वीडियो को आप लोग अभी तक शेयर करते चले आ रहे हैं, जिसे पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन का वीडियो बताया जा रहा है, सच में वाकई में वो वीडियो पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन का है ही नहीं। को जिस लड़के के चेहरे पर दाढ़ी है और उसके पीछे बैग टंगा हुआ है और तो हरी टी शर्ट के अंदर और लगभग आधा दर्जन लोग उसके ऊपर हमला कर रहे हैं, वो वीडियो पुरानी दिल्ली का नहीं है। इस वीडियो के बारे में जानकर आप वाकई हैरान होंगे कि आखिर मैं आज किस तरीके की बात कर रहा हूँ और इन बातों के लिए मेरे पास में क्या पुख्ता सबूत है। तो मैं पुख्ता सबूतों की बात करूँ कि जो दिल्ली के अंदर 27 तारीख को शाम के वक्त में जो घटना घटी थी, जिसके अंदर कारी ओवेस की पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी या यूं कहें मॉब लिंचिंग कर दी गई थी, उसका कोई भी वीडियो फुटेज अभी तक अवेलेबल नहीं है। ये जो मैं बात कर रहा हूँ, ये बद्री टाइम्स के लोगों के हवाले से बात कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश के शामली से एक अखबार है, एक मीडिया है, एक मीडिया ग्रुप है बद्री टाइम्स, जिसके अंदर कारी ओवेस की जब हत्या हुई थी तो उन लोगों के पास में फ़ोन गया था उनके परिवार के साथ में, और वो जो पत्रकार हैं वो दिल्ली कारी ओवेस की डेड बॉडी को लेने के लिए दिल्ली पहुँचे थे और उन्होंने थाने में भी बात की थी। उसके अंदर एक साहब थे जिनका नाम निकल कर आ रहा है बिलाल बद्री और दूसरे साहब का जो नाम है मुबारक बद्री। ये लोग बद्री टाइम्स से जुड़े हुए हैं जिनका साफ तौर से कहना है कि कल जब ये घटना घटी थी तो हम दिल्ली पहुंचे थे और कारी ओवेस की जो डेड बॉडी लेने की कार्रवाई थी उसको हम लोगों ने पूरा किया और उसके बाद में हमने इसको तस्दीक करने के लिए मुबारक बद्री साहब से बात की। मुबारक बद्री साहब का साफ तौर से क्या कहना था, जो इस वक्त जनाजे के अंदर शामिल थे, ग्राउंड पर मौजूद थे गड़ी दौलत के अंदर, शामली के अंदर एक गांव है गड़ी दौलत, वो उस वक्त वहां पे जनाजे की तैयारी में थे, तो उन्होंने ग्राउंड से जो हमें रिपोर्ट दिया है आप सुनकर उसको हैरान हो जाएंगे। मेरी गुजारिश है कि आप इस वीडियो को सबसे पहले शेयर करना बंद कीजिए, क्योंकि अभी पुलिस जाँच कर रही है और ये जो वीडियो आप देख रहे हैं जिसके अंदर एक मौलाना को पीटते हुए दिखाया जा रहा है, उस वीडियो को मेरठ का बताया गया है। जिस वीडियो को आप हमारे लेफ्ट साइड में यहाँ पे देख रहे होंगे उसका स्क्रीनशॉट, ये वीडियो बताया गया है मुबारक बद्री के द्वारा कि ये मेरठ का है और इसके अंदर गिरफ्तारी हो चुकी है। और मौलाना ओवेस के साथ में जो घटना घटी उसका अभी तक कोई भी वीडियो सबूत मौजूद नहीं है फिलहाल अभी तक के लिए, लेकिन हो सकता है पुलिस जांच के दौरान वहाँ पे आसपास लगे सीसीटीवी सामने आए जिसके अंदर ये पता चल सके कि पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो घटना घटी थी उसका सच क्या है। बने रहिए हमारे साथ और हमारी एक बार आपसे फिर गुजारिश है कि घटना चाहे कहीं की भी हो, मॉब लिंचिंग कहीं की भी हो, लेकिन शिकार एक समुदाय विशेष हो रहा है, माइनॉरिटी के लोग विशेष हो रहे हैं। मुत्तहिद हो जाइए, इकट्ठे होइए, अपनी ताकत को दिखाइए, अपनी ताकत को कानूनी दायरे में रहकर सामने लाइए। क्या आप कब तक सोते रहेंगे जब तक आपके घर में किसी की मॉब लिंचिंग नहीं हो जाती? ये बड़ा सवाल आपके लिए छोड़ जाते हैं जी। जब तक वो मर चुके थे। अच्छा, तो इसमें कोई ऐसी रंजिश वाली बात तो कहीं कोई है नहीं है? स्पॉट रंजिश नहीं है, वहाँ रेडी पटरी वाले होते हैं ना जी जी, पुरानी दिल्ली स्टेशन पे। ठीक है, वो बदतमीज पुरानी दिल्ली स्टेशन पे बिल्कुल बिल्कुल वो बदतमीज किस्म के होते हैं। उसने कोई एयरफोन वगैरह खरीदा होगा, उनसे खरीदा भी नहीं था, वो देख रहा होगा, देखते उसने वो निकाल के देखा, उसमें पैकिंग वैकिंग तो ऐसी लोकल होती है, वो पॉलिथीन में था छोटी सी जी जी। फिर उसने कीमत पूछी, अब कीमत उसकी समझ में नहीं, उसको ज्यादा लगी, उसने मना कर दिया लेने से। फिर वो उसके पीछे पड़ गए कि ये तो लेना ही पड़ेगा, मतलब गुंडा गैंग है वहाँ पे। हाँ बस वो गुंडागर्दी है, वो जबरदस्ती बेचते हैं सामान, गुंडागर्दी जब ज्यादा बढ़ जाती है, सामान बेच के फिर वापस भी छीन भी लेते हैं।
तो इसी बात को लेके झगड़ा हो, फिर वो जो चार पांच थे वो पटरी वाले आस पास के सबने उसको मारा। वो बीमार था पहले से, बुखार था उसको। अच्छा हाँ, अब कोई ऐसा लात वात कोई ऐसी लगी उसके, वो सांस उसका आ नहीं पाया फिर, या सर में कुछ लग गया उसके, ऐसे चोट वोट तो निशान तो नहीं है। निशान तो वहाँ पे वो लोग जो है जो उस वीडियो के अंदर बोल रहे हैं वो लोग तो खुद कह रहे हैं कि भाई खून नहीं निकलना चाहिए, गुम चोट मारो इसे। नहीं वो जो वीडियो देखी वो किसी और की है, एक मारपीट की जो वीडियो है ना, वो तो लोग गलत डाल रहे हैं। इसकी कोई वीडियो नहीं है, कोई फोटो नहीं है वहाँ का मौके का, कोई वीडियो और फोटो नहीं है। नहीं नहीं नहीं, वो तो मौके पे लोग वहाँ पहुँचे हैं, उन्होंने पुलिस को फोन किया। एक वीडियो चल रहा है वो मेरठ का है। अच्छा जी। हाँ हाँ, जो वीडियो चल रहा है ना कि वो लोग मार रहे हैं उसको, वो मेरठ का है, वो अभी गिरफ्तार हो गया आज। अच्छा, तो वो मेरठ का कब का वीडियो है? ये भी परसों का है ये। अच्छा, वो परसों का है। तो ये जो वीडियो कल रात से वायरल हो रहा है तो ये वीडियो नहीं है? नहीं नहीं, वो उसका नहीं है, वो इनका काली साहब का वीडियो नहीं है कोई भी? नहीं नहीं, इनका कोई नहीं है, इनका फोटो भी नहीं है कोई। अच्छा, इनका तो ये स्टेशन पे ऐसा होता है, वहाँ मिनटों मिनट मिनट में लड़ाई होती रहती है, नशा करने वाले ये सब होते हैं ना। हाँ, तो इनकी जैसे लड़ाई हुई लोगों ने सोचा होगा, कोई वहाँ बीच में आता भी नहीं है, वहाँ का माहौल ही ऐसा है। और ये दो चार मिनट ही हुआ इसको, इनका झगड़ा 2-4 मिनट रहा तो उसी में दम तोड़ गया है। अच्छा हाँ, तो ये तो लोग जितने भी लोग हैं वो तो रिपोर्ट उसी को कर रहे हैं, उसी वीडियो को रिपोर्ट कर रहे हैं जो वीडियो चल रही है। वो गलत है, वो मेरठ का है, वो भी गिरफ्तार हो गए कल। वो मेरठ का वीडियो, तो इनके जो मारपीट हुई है वहाँ पे कोई वीडियो वगैरह कोई एविडेंस नहीं मिल पाया? कोई वीडियो नहीं है, वहाँ के आस पास के लोग हैं जिन्होंने देखा है। तो दुकानदारों से कोई आपकी बातचीत हुई क्या? हाँ, उनसे सब बातचीत हुई है, और उनके बताने पे ही हमें पता चला। नहीं, पुलिस ने तो ये बताया था कि ये 4 घंटे से मरा हुआ पड़ा था यहाँ स्टेशन पे। अच्छा, तो वहाँ जो सीसीटीवी कैमरे वगैरह है वहाँ से कोई वो निकल जाएंगे। हाँ, जाँच होगी तो निकलेगा जी। तो वो पता नहीं चल पाता, मैं थाने गया रात में 2 बजे, थाने से जैसे निकला उन्होंने तो बताया कि भाई ये ऐसे सोया हुआ था वहाँ, तो लोगों ने बताया कि भाई कोई आदमी पड़ा है, कोई लग रहा है हमें ये मर चुका। फिर मैं थाने से बाहर निकला, 2-4 लड़के खड़े थे वहाँ, वो इंतजार में ही थे बेचारे, वो गवाह थे वहाँ जिन्होंने देखा था। उन्होंने बताया कि भाई ये मामला ऐसे नहीं है, कुछ और है, ऐसे इनका झगड़ा हुआ था और हम यहाँ मौजूद थे। अच्छा, मुझे और लोगों के पास ले गए, तो 2:30-3 बजे भी वहाँ लोग थे बेचारे जमा थे जिन्होंने देखा था। फिर उनसे बात हुई तब जाके मामला खुला है। तो ये बात मतलब आप पूरी जिम्मेदारी के साथ बता रहे हैं कि जो बैग पीछे टांग रखा है, चेहरे पर दाढ़ी है? जी जी, ये मेरठ का वीडियो है, ये मेरठ का वीडियो है। मैं उसको सुनाना चाह रहा हूँ थोड़ी सी। जी जी, वो मैंने देखा है वीडियो, जो हरी टी शर्ट के अंदर कुछ लड़के मार रहे हैं। हाँ हाँ, वो मैंने देखा है वीडियो, मैंने देखा है उसको, वो मेरठ का है। तो ये कारी साहब का वीडियो नहीं है? नहीं नहीं, वो मेरठ का है, और वो लड़के कई लड़के उसमें गिरफ्तार हो चुके हैं और बाकायदा मीडिया में भी आ चुका वो। अच्छा, पुरानी दिल्ली वाला जो मामला है उसका कोई वीडियो मौजूद नहीं है? उसका कोई नहीं है, उसका कुछ नहीं। तो ये मैं आपसे ज्यादा चाहूंगा कि जो हम आपसे बात कर पा रहे हैं आपके हवाले से हम एक न्यूज अपडेट कर पाए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी, और अगर पॉसिबल हो तो क्या आप फेसबुक लाइव पे अवेलेबल हो पाएंगे हमारे? तो अभी तो मैं वो लोग आए हुए हैं उधर जा रहा हूँ। जी जी, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं जी। हाँ, वहाँ से फ्री होने के बाद मैं कॉल कर लूंगा आपको। जी, आप अपना नंबर भी दे दीजिए, हो सकता है हम ये नंबर मेरा ही है। अच्छा, ये मेरा नंबर है। जी जी ठीक है, क्या इसमें ग्रामीण पूरा लिखूं मैं आपका? मुबारक बद्री। ठीक है, बिलाल बद्री साहब के बड़े भाई हैं आप? जी 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 ठीक है जनाब, मैं इंशाल्लाह। आपका ताल्लुक कहाँ से है? मैं आसिफ खान बोल रहा हूँ, दिल्ली से, माइनॉरिटी न्यूज से। आप वैसे कहाँ से हैं प्रॉपर? दिल्ली से हैं। अच्छा, दिल्ली से। ठीक, चलिए मैं बात कर लेता हूँ आपसे। जी इंशाल्लाह, ठीक है, अल्लाह ठीक, अल्लाह।